10 भरने पड़ेंगे तेरे को इससे बैठने के लिए। किधर लिखा है? उठ जा जल्दी। 10 किधर लिखा है? उल्लू। देखो मजा तो बहुत आ रहा है यूरोप ट्रिप पे, आई एम श्योर आप लोगों को भी आ रहा होगा। कल जब सोने गए तब फील हुआ भाई कि यू नो बॉडी को काफी झटका लग गया, क्योंकि जब हम सोते हैं उठते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिलान में हम रोम में हैं। यूजुअली जब हम लोग ट्रैवल करते हैं चाहे मोटरसाइकिल बाइक गाड़ी कैसे भी ले लो, लोग आराम से रुकते हैं 3-4 दिन और फिर आगे बढ़ते। यहाँ पर इतना तेज बढ़ रहे हैं ना। वी आर इन स्विट्जरलैंड, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। रात भर बारिश हुई लेकिन अच्छा है, अभी धूप मस्त निकल रही है, ठंडा था, खिड़की हम लोग खोल के सोए ऐसा। तो आज हमारा प्लान जो है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग और इजी है, यहाँ से स्ट्रेट निकल। आई वुड से ये वाला होटल का ब्रेकफास्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, चाय कॉफ़ी सब कुछ है, हम लोग वहाँ पर बैठे हुए, बहुत ही कलरफुल है इधर एंड हियर, जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा नहीं। योग बड़े टाइम पर अच्छा ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। स्काई इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, आज स्काई पैनकेक खा रही है हल्का हल्का। आज हमारा प्लान सिटी में ही है, बस आजू बाजू लोकली घूमेंगे, वॉक करके इसको 3-4 घंटा लग जाएगा। तो अभी नाश्ता करके आए और सोभी देखो सोने बैठ गया। ओ भाई रेडी होना है, सोना नहीं है। अब भाई रात भर खराटे तुमने लिए, भुगता मैंने पहले तू सोया, तूने खराटे लिए फिर मैं तेरे खराटे में सोया, आधा घंटा भी नहीं सो पाया, उसके बाद ऐसे खराटे लिए कि आदमी उठ जाए, रात भर बैठ के स्टोरीज देखता रहा। खराटे इज नॉट द रियल रीजन, शोभित ने मुझे रियल रीजन बताया कि शोभित को हो गया था स्लीप पैरालिसिस। अभी आप में से अगर किसी ने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस, बात कर रहा है ये वही सच्चाई बता रहा है जो बिग बॉस वाले बता रहे हैं। तेरे को हुआ कि नहीं हुआ स्लीप पैरालिसिस? स्लीप, अच्छा तो अभी तो बोला क्या हुआ, क्या तू नींद में बोला मैं हिल नहीं पा रहा था, लगा चुड़ैल आ गई, वो सब नहीं हुआ? कुछ भी और पलटी मार दिया। शोभित बहुत स्मार्ट है, बोला कैमरे में बोलूंगा नहीं, बोला ठीक है। तो बेसिकली स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, क्या आप लेटे रहते हो, आपको लगता है कोई भूत आके आपकी छाती पे बैठ गया है और आप हिल नहीं पा रहे हो, आप गूगल कर सकते हो आपको मिल जाएगा। एक सेकंड नहीं मैं दिखाता हूं, एक सेकंड इधर आओ, इधर आओ। शोभित का बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, रेडी होते होते कपिल शर्मा का शो लगा देने का और रेडी होने का, और आज अच्छे कपड़े निकाले उसने अपने। तो ये पूरे ट्रिप का सबसे कमाल आज होने वाला है, इट्स 1:12 इन द आफ्टरनून और अभी तक हम लोग होटल, अरे बैठ कैसा है यार, और अभी तक हम लोग होटल में ही है। देखो शाइनस का भी थ्रोट पेन हो रहा है, मेरा भी थ्रोट पेन हो रहा है, शोभित सोया नहीं, निकिता और स्काई सोए हैं, तो मैंने आज आराम से सो के निकलते हैं, कुछ देर घूमना है अभी हम लोग जाएंगे। और देखो जैकेट निकला है, मशीन भी लेके आएंगे। कौन सा मशीन? खराटे नहीं आते। अरे वाह, अरे मेरा थ्रोट कोई भेजो, कोई मशीन भेजो, मेरा थ्रोट पूरा गया है, सोता हूँ तो पूरा दब जाता है, लेटर मेरी सांस रुक जाती है, इट्स सीरियस माइनर। देखो वैसे मैं स्नोर करने वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन राइडिंग में जब मैं हद से ज्यादा राइड करता था तभी होता था ये चीज़, और मोस्टली हर आदमी के साथ होता है। लेकिन इस ट्रिप पे मैं इतना पुश कर लिया अपनी बॉडी को, एक्चुअली सबने पुश कर लिया और प्लस मेरा गला खराब हो गया कि स्नोर बुलेट बन गई। बुलेट एकदम खुश खुश मेरा बच्चा, मैं तो उससे सब तहस नहस कर रही है, पूरा फेकम भाग कर रही है। और फाइनली जाके आज इसका जो डायपर, हम इतना 100 डायपर लाए थे, नहीं 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 200 डायपर लाए थे, वो 200 डायपर लाए थे, आज जाके खत्म हुआ। और स्विट्जरलैंड में खत्म हो रहा था यहाँ सब कुछ, इतना एक्सपेंसिव है। हमने कल मिनिमम एज पूछा लोगों को, तो यहाँ पर मिनिमम एज है 23.5 स्विस फ्रैंक्स, इज लाइक ऑलमोस्ट यूरो, 24 यूरो मिनिमम एज है यहाँ पे कैनेडा में। हाँ हाँ घंटे का भाई, कितने घंटे काम करने अलाउड है? 8 क्या पता। आज हम सब में सबसे ज्यादा फ्रेश कौन है? कायू मास एकदम सोली फ्रेश होली खा। तो आप में कितने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, सच्चा हैप्पी बेबी, हमेशा खेलती रहती है, एंजॉय करती रहती है, क्योंकि वो पैदा ही तब हुई जब मैं और शैनिस घूमते रहते थे, तो बट ऑब्वियसली उसको जितना घुमाओ ना ये खुश रहती है, कुछ ना रूम में रखो ना ऐसे रहती है। दूसरी ये भी बहुत फ्रेश है। कौन लग रहा है ऐसा? ये पीछे वाली चेन भी है मेरे पास ऐसा पहनना है तो चेन नहीं है तो नीचे साइकिल से चुरा के पहन। ये प्यारा सा फोटो। एक्चुअली यू नो व्हाट, शान ने सब तेरी तारीफ कर रहे कि तू फोन से ऐसा ऐसा व्लॉग कर रही है, बिकॉज फोन से ऐसा व्लॉग करना इजी है, कैमरे से ऐसा व्लॉग करना है। नहीं नहीं अच्छे से बोल रहा हूँ मैं तो, लोग कमेंट कर रहे हैं ना, देख बहुत छोटा परसेंटेज बोल रहा है क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी अच्छी और बहुत बड़ा परसेंटेज बोल रहा है। बट पीपल डोंट अप्रिशिएट नाउ डेज दिस काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज ये चीज से एक्चुअली तन्मय ने एक बार सही बोला था कि यू नो इससे व्लॉग करने का कोई मतलब नहीं है, इससे करने का, बिकॉज ये वहाँ जाता है, चाहे ये कैमरा कंफर्टेबली नहीं जा पाता, इसके लिए अपना हर एक व्लॉगर इस पे आ गया है,
लेकिन हार्डली कोई बचा है ब्लॉगर जो इससे कर रहा है। नहीं तो इसका मतलब ही निकलता है कि मेरी बहन ज्यादा स्मार्ट है। वो तो स्मार्ट है, स्मार्टर देन यू। स्मार्टली और आलसी दोनों होते हैं। नहीं आलसी आलसी नहीं, नो। शोविद फुटेज खाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है। कोक्स अपार्ट मैं और शानिस पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसा कैसा शूट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब लोग ट्रैवल देखते हैं उनको चाहिए कि एक्स्ट्रा दिखाओ, बड़ा करो व्लॉग, लेकिन लंबा व्लॉग कभी कभी हमने ये भी डिसाइड किया दोनों का व्लॉग अलग रहना चाहिए, दो भी हमें सेम थे। वही मैंने बोला तो शानिस मोस्टली क्योंकि इस तरह फोन को पकड़ के दिखाना ज्यादा ईजी है तो उस तरह दिखाती है। मैं थोड़ा मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो इस तरह की बसेस चलती है जो कि आई थिंक इलेक्ट्रिकल बस है, हम लोग लेके आए ना पास, जो कि आपने देखा टोरंटो में देखा जो ट्रैम जिस तरह चलता है ना, तो ये लगेगी पूरे शहर में फ्री वाईफाई है। जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको होटल ना आपका एक टूरिस्ट नंबर देता है, आईडी नंबर देता है, वो आईडी नंबर से आप लॉगिन करो और पूरे शहर में फ्री वाईफाई का लुत्फ उठाओ। भी फ्री है बस, ऑल ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, उसमें कवर्ड है। खाना महंगा इधर, खाना बहुत कर लिए इन्होंने, भयंकर डबल महंगा, डबल महंगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर पहले आके आगे बढ़ते तो हम लोग को लगता था कि अरे यार सब ट्रांसपोर्टेशन कितना एक्सपेंसिव है वो, लेकिन खाना सस्ता है क्योंकि यहाँ पर खाना हम लोग का कल 11,000 इंडियन रुपीज़ बिलाया था वो इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि कल इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे थे ना हम लोग, वहाँ पर हमारा इंडियन रुपीज़ में 11,000 रुपये बिलाया। लेकिन हाँ बहुत ही संतुष्टि हुई हमारी क्योंकि वो इंडियन रेस्टोरेंट द बेस्ट रेस्टोरेंट ऑफ दिस टाउन है। हम लोग कल जो आए थे वो यहाँ से आए थे तो अभी डिसाइड किया कि अभी ये साइड जाएंगे, ये बहुत बड़ी ल्यूसन लेक है। तो ये जो ल्यूसन लेक है ना ये बहुत बड़ी है, लिटरली अगर आप यहाँ से चल के जाओ पूरा या फिर गाड़ी लेके जाओ तो आपको 20-25 किलोमीटर लगेगा वो तरफ पहुँचने के लिए। नॉट फीलिंग वेल, हाउ आर यू फीलिंग शानिस नाउ? क्या करे, हम ही बीज है। Anyway, तो ये अच्छी बात नहीं है बीमार पड़ना, बट एक अच्छी बात ये है कि ट्रिप के एंड में आके ऐसी जगह पे बीमार पड़े जहाँ पर रिलैक्स ही करना। कल से हमारा एडवेंचर शुरू होगा यहाँ पे दूर दूर जाना। हाँ बोल। और मुझे ना यहाँ पर कनाडा की दो झलकियाँ मिली, पहली कि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आपको अपने बच्चों के साथ घूमता हुआ दिखेंगे यहाँ पर स्पेशली लेक के साइड में, दूसरी कि यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, दे गिव यू स्माइल। यूजली यूरोप में आप जाओ तो लोग आपको स्माइल रिटर्न नहीं करते, हाय नहीं बोलते, हाउ आर यू नहीं बोलते, यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों ने बोला। और कल जब सुपर मार्केट में हम स्काई के दूध लेने गए और भी दो चार चीज़ें लेने गए तो उसने 50 सेंट मांगा कैरी बैग के लिए हमारे पास, मैंने उसको यूरोप का सेंड दिया, उसमें मैं सॉरी यहाँ पर यूरोप सेंड नहीं चलेगा, आपको स्विस फ्रैंक देना पड़ेगा। तो मेरे पास नहीं था तो मैं थैली से निकाल रहा था, पीछे से एक लेडी आई उसने अपने जेब से निकाल के बंदे को दिया। तो यहाँ पर लोग काफ़ी काइंड है। और देखो मेरे पीछे कुछ तो लोग गेम खेल रहे हैं, ये अंकल लोग। सो ये अंकल लोग क्या गेम खेल रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, बॉल के साथ कुछ तो खेल रहे हैं, हम लोग कंचे कैसे खेलते थे बचपन में वैसा कुछ है। और सिर्फ इधर नहीं इधर भी खेल रहे हैं लोग, सो दिस इज़ लाइक देयर प्लेइंग टाइम। अब इस काय को मैंने नीचे रखा है, इसको फाइनली अच्छा लग रहा है, इसको मेरे बेबी कैरियर पर रखा था अच्छा लग नहीं रहा था, बिकॉज ऑल दो कितना भी टेम्परेचर गिरा हुआ 14 है लेकिन सनलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है ना तो उससे गर्म लद्दाख में से लगता है गर्म लगता है, वही गर्म लग रहा था। मैंने उसको निकाला, मैंने जैकेट निकल के बाकायदा अभी फोटो लिए, मुझे इतना ठंडा लग नहीं रहा है। हाँ ऑफकोर्स सनलाइट जाएगी तो वो ठंडा हो जाएगा, बट इसको ऐसे मज़ा आ रहा है, इसलिए ना अच्छे जूते लेने पड़ेंगे हम लोग को भी। और मैंने ना अपना लिटरली चश्मा निकाल के रखा था डेस्क पे लेकिन निकलते टाइम भूल गया, बिकॉज काई का दूध गर्म करना था और धूप लिटरली मेरी आंखें नहीं खुल रही जो भी पार्ट पे सनलाइट एक्सपोज हो रही है, तो ऐसे ऐसे करके तो फोटो ली जा रही है। और यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा है, कि ग्रीन हो गया काइंड ऑफ फॉल का कलर आ गया, ये ब्लू हो गया माउंटेन, आज ना ड्रिजलिंग का साइन था, ड्रिजलिंग जो हो गई है अभी मुझे लगता नहीं बारिश गिरेगी, बिकॉज चारों तरफ जो है नीला नीला आसमान। अगर मैं ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहा होता ना जहाँ इतनी लाइट आती है तो मुझे एंटी फिल्टर ये वाले कैमरे में डालना पड़ता, बट मुंबई में डालने की जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। सो हम लोग ये कॉफ़ी शॉप में आए थे लेकिन कुछ खाने को नहीं है, सिर्फ चाय कॉफ़ी था, हमने दो हॉट चॉकलेट लिया और बाय द टाइम हमने स्काई को फीड किया, स्काई सो गई है, अभी स्काई यहाँ पर सोएगी। और यहाँ बाजू में एक अच्छा सा प्यारा सा ब्रिज है, चैपल ब्रिज, चैपल ब्रिज जाएंगे यहाँ से वॉकिंग। ये मैंने एक जुगाड़ देखा तो आई सॉ लॉट ऑफ मेन एंड वुमेन यहाँ पे जो ओवर साइज जैकेट पहनते हैं, उनके बच्चे सो जाते हैं ना तो लोग पूरा बंद करके जिपर डाल देते हैं ना, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आज अपन ने ओवर साइज जैकेट पहना, इसका पैर कवर हो गया और हाथ अंदर है, तो एटलीस्ट मेरी बेटी जो प्यार से 1-1.5 घंटा अच्छे से सो सकती है, बिकॉज ये उसका स्लीपिंग टाइम है। बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल विद द किड एंड सीइंग यू ट्रैवल विद द किड इज लाइक सच अ इंस्पिरेशन। करेक्ट, अगर आप सही मेथड फॉलो करो ना तो बच्चों के साथ ट्रैवल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमने ये ट्रिप पे मैंने और शानिस ने काफ़ी सीखा है कि अगले ट्रिप पे अगर मान लो कि शोभित निकिता का कोई नहीं होता, सिर्फ मैं और शानिस होते हैं, हाउ कैन वी हैंडल, मेन जुगाड़ होता है, चाहे आप 2 लोग ट्रैवल करो चाहे आप 10 लोग ट्रैवल करो।
अभी देखो हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पर थे, पूरा घूम के वॉक करके वहाँ पर गए। इसके पीछे हमारा होटल है, यहाँ वॉक करके ऐसे आके यहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये ब्यूटीफुल जगह पर जा रहे हैं। वो देखो ना माउंटेन कितना अच्छा है। एक चीज़ मैंने देखा यहाँ पर, काफ़ी बूढ़े लोग बाहर हैं, मैंने से बूढ़े लोग नॉट 50, 60, 80, 70, 80 के एज के लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं, और ज़्यादा करके वही स्पॉट हो रहे हैं हम लोगों को। इनफैक्ट अभी छोटी बच्ची देखी स्काई से, आई थिंक 5-6 महीना बड़ी थी, उसको उसकी दादी या नानी वो घुमा रही थी बाहर। स्काई तो उस बच्ची को देख के पागल ही खुशी हो गई एकदम। और यहाँ पे वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो खेलते भी हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, वो दिखा कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। फ्रिज लेके अपन वहाँ जाएंगे, और ये जगह पूरा कॉफ़ी शॉप वाला है, हम लोग खामा का वहाँ पर रुक गए। एक्चुअली गूगल मैप में डाला था हम लोग वो साइड थे ना, वो साइड कुछ भी नहीं, उधर शोर है, और यहाँ ये जो पूरा एरिया ये पूरा हैपनिंग एरिया है। और यहाँ पर एक्चुअल में आफ्टरनून में लोग इतने बाहर रहते हैं, यू कैन एक्चुअली सी एंड सेंस दैट दे आर एंजॉयिंग, दे आर वेरी हैप्पी, समझ के वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। देख यहाँ पर इतनी सारी फोटोजेनिक जगह है, या फिर रीलर जेनिक जगह है। ये देखो ये भी शूट कर सकते हैं यहाँ पर मूवी। बाय द वे मुझे लास्ट जो कोस्ट किया था सिंके टेरे, तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके बोला कि सिंके टेरे में अर्जुन रेड्डी वाला पार्ट शूट हुआ था, कबीर सिंह बनी ना वो वाला, तो मैंने वो वीडियो देखा, एक्चुअली वहाँ पर शूट किया था। अभी देखो फुल बॉलीवुड वाला वाइब्स ही लग रहा है, इधर भी कोई गाना या फिर कुछ शूट हो सकता है, क्या पता हुआ भी रहेगा। अभी भी लोग कमेंट करेंगे अरे ये हुआ था वो हुआ था, ये तो फिर मुझे कोरियन चाइनीज जापानीज वाइब्स। चलो यहां पर ऐसा कोई कोरियन ऑल्स हैज दिस वे, सीक्रेट फिर बात कर सकता है, यहां अलाउड नहीं। अरे एग्जांपल दे रहा हूं, शूटिंग हो रही है यहां पर, कुछ तुम स्ट्रेस वाला सीन है, समझ रहे हो ना, कोई फाइट वाला सीन है, किसी को यहां फेंक देते हैं, इधर डीप वाटर भी नहीं है भाई साहब। इसके अंदर वॉक करके बाकायदा कनाडा की याद आ गई, जो हवा चल रही है ना इसके अंदर से, बाहर तो ठंडा नहीं है लेकिन इसके अंदर भयंकर ठंडा है, एकदम फील लाइक -4, -5 वाला ठंडा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस की, हर एक कॉफ़ी शॉप में ना दारू भी मिलती है, ये लोग नॉर्मल चीज़ है, आपका जो चाय वड़ा पा रहा था ना ये लोग, ये कॉफ़ी क्रूज़ा। ये टाउन का जब भी एडवर्टाइजमेंट करना होता है ना, तो ये जो है ना, ये बिल्डिंग जो भी बोलते हैं उसको, ये वाला पार्ट दिखाते हैं यहाँ पे। सो हम लोग अभी ये ब्रिज से आए, लेकिन जाते रहे हम जाएंगे ये वाले ब्रिज से वहाँ पर जाएंगे। ये साला यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है वाला ब्रिज, नहीं सब ये ब्रिज पे हम लोग वो साइड जा रहे हैं, और मेरी नज़र पड़ी वो चीज़ में, आई थिंक वो कोई होटल ही रहेगा, बड़ा वाला होटल, GUTSCH whatever, और ट्यूश कुछ। और अभी वॉक करके हम लोग जाएंगे वो वाले लेन में, दिख रहा है आपको वो जो आप लिवाइस लिखा हुआ है। सबका कुछ ऐसा खाने का मन था जो तो मज़ा आ जाए, मुझे बिरयानी हाउस दिख गया, तो यहाँ हमने बिरयानी हाउस में बिरयानी खाई, बड़ी अच्छी बिरयानी, जो चाय भी पी, एक्चुअली दो चाय बोली, चार चाय दे दी, तो दीदी ने बोला दो चाय एक्स्ट्रा लक्ष्मी इंडियन ले दी थी अच्छे से। अभी हम जाएंगे CLA, जहाँ पर CNA जहाँ पे बच्चों के लिए जैकेट्स मेरे को, अभी हम लोग जो आगे जाने वाले हैं वहाँ बहुत ठंडा होगा, हमारे जो नॉर्मल जैकेट्स है इंडिया में भी विंटर है, इंडिया में भी घूमने वाले हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता बेटा, फर्क पड़ता है बाप की तरह, बड़े लेने का लेना, बढ़ती बच्ची है, हाँ, बड़ा लेना पड़ेगा। सारे कपड़े छोटे हो गए उसके ट्रिप पे, ये पैंट जो है यहाँ तक आती थी, देखो कितनी लंबी हो गई, आई एम नॉट एक पैंट, हर पैंट 3 मंथ के बच्चे, ये अचानक से कैसे हो गया, बोलती है मम्मा आई एम ग्रोइंग, यू आर मेकिंग मी ईट दाल राइस एवरीथिंग, ऑब्वियसली आई विल ग्रो ना, ये मतलब अभी दिस इज अ सुपर हैप्पी मूड। तो इस टाउन में मैंने बहुत सारे इंडियंस को स्पॉट किया, और इंडियन मतलब जो पहले से रह रहे काफी टाइम से, इसके लिए बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी खोल दिए हैं। क्या आ गया तंदूरी, और ये तो बैक टू बैक इंडियन है, बिरयानी हाउस ये, और ये जो टाउन है ल्यूसेन जो भी बोले, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टाउन है, लिटरली आप वॉक करके पूरे एक दिन में टाउन कवर सकते हो। कि कुछ कुछ जो उसकी लेन्स है गलियाँ हैं ना बहुत ही प्यारी हैं, लाइक ये पूरा इसमें इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। और अभी यहाँ देखो जूते का, शायद मुझे बोल रही है अभी तो जूता ले ले, तो मैंने बोला मैं जूता नहीं लूँगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे खाने पीने में आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर मनी। क्या मतलब हो गया आपके पैसे कमाने का, कि अगर आप खाने पीने के टाइम में पैसे बचाओ, सो आई डिसाइडेड कि खाने पीते टाइम में पैसे नहीं देखता, और ये सब शॉपिंग जो मेरा पैसा चोरी हुआ उसमें सैक्रिफाइस, बट लगता है शैनिस मुझे अभी जूते दिला के ही छोड़ेगी, जा रही है। यस शैनिस, या वेरी नाइस वेरी नाइस, आई एम नॉट गोना बाय। और ये 360 लेन देखो बीच में आ गए हम लोग जाएंगे वहाँ पे, एक CNA, मुझे मैं गूगल में टाइप कर रहा था CNA डालना है, वहाँ पर हम लोग सब शॉपिंग करेंगे। और यहाँ पर क्रिसमस वाला जो वाइब्स है ना वो शुरू हो गया है, दे हैव स्टार्टेड टू बिल्ट अप, बिकॉज चलो देखते हैं यहाँ पर मिलता है कि नहीं। अरे डॉगू भाई, यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं स्काई के लिए, बट जगह है शायद सूटकेस में, क्या फेंकना पड़ेगा, और
समझ में नहीं आ रहा सूटकेस फटना चाहिए। हाँ मेरे कपड़े फेंक दे। और स्काई को नीचे छोड़ दिया है, एकदम मस्त में खुश हो गई है। जमीन साफ है, छोड़ सकते हैं इधर, कितना फास्ट क्रॉल कर रही है। मैंने इसको निकाला इसलिए बिकॉज देखूंगा कौन कौन से जैकेट में फिट होती है, और थोड़ा बड़ा जैकेट लूंगा ताकि बिकॉज इसे ग्रो करेगी ना, ताकि वो जैकेट आ जाए, ऐसे ना हो कि एक महीने में छोटा हो जाए। ये परफेक्ट लगा है स्काई के ऊपर, बड़ा भी है, हाथ भी हमने बाहर निकाला इसका, और अंदर से एक अलग ही मटेरियल, बहुत ही वार्म है, और ये भी निकल जाता है, वेरी नाइस। I think in the summer or something normal winter, she can remove this and just wear it by herself. ये लिए लिए नए socks shoes, एकदम मस्त cozy cozy, because main हाथ और पैर ठंडे होते हैं। लग गई वो पूरा ये बनाने में agenda कि कैसे निकालना है। हाँ उसका agenda रहेगा कि अब मैं उसको निकालूं कैसे, और निकाल के ऐसी जगह पे फेंकूंगी मेरे माँ बाप को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैंने फेंक दिया। देख 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 दस भरने पड़ेंगे तेरे को इससे बैठने के लिए। किधर लिखा है? उठ जा जल्दी। किधर लिखा है? पैसे भरने पड़े। दुनिया में घूमता है, बिजनेस क्लास में घूमता है। मैं मेरा मैंने लिया ही नहीं पैसे, मेरी बीवी लेती है। देखो मैं पैसे नहीं अभी। फिर भी ऑल द मेल मेरे को जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ था उसी मैंने डिसाइड किया मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा हर फ्यूचर के लिए। स्टिल ऑल द मेल विल थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द बेस्ट स्टेबिलिटी एवर सेट बाय लॉट ऑफ ग्रेट मेन। स्काई यू नो देखो तैयार हो गई हो, फिर पकड़ लूंगा तेरे।